सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आपको सितंबर में जो है नैनीताल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पे जो हमारी वीडियो रहने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप नैनीताल इस महीने आए या ना आए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, इस समय हल्की बारिश रहती है नैनीताल के अंदर और ऐसा कुछ खतरा नहीं बना हुआ है। बाकी आपको इस समय पंजी बताएंगे। ये जो सीजन जाने की बारिश होती है, मानसून जाने की बारिश में, इस वक्त बारिश तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। कुछ समय पहले नवरात्रि आती है, एकदम मौसम साफ खुला रहता है और उस दौरान आप आराम से यहाँ नैनीताल भ्रमण के लिए आ सकते हैं। देखिए हाँ, अभी देखिए कुछ दिनों बाद नैनीताल में मेला भी लगने वाला है। ये आपका जो रामलीला होगी उसके बाद दशहरे के टाइम पे लगता है मेला, आप उसको भी विजिट करने के लिए आ सकते हैं नैनीताल। हम लोग आप मल्लीताल की तरफ को जा रहे हैं और वहाँ का आपको हाल दिखाएंगे कि कैसा हाल है मल्लीताल में इस समय और कितना टूरिस्ट है कितना नहीं है। अब मैं मल्लीताल की तरफ जा रहा हूँ, ठंडी सड़क से होते जा रहे हम लोग यहाँ को, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हल्की सी बारिश पड़ी ऊपर से और यहाँ पे को जो है खतरा बने रहता है, इसलिए आपको पता है डेंजर जोन ठंडी सड़क पे। तो यहाँ से अब मैं थोड़ा थोड़ा तेज़ से निकल रहा हूँ और आगे मल्लीताल जाके आपको दिखाऊंगा मल्लीताल में क्या चल रहा है इस समय और क्या नहीं हो रहा है। तो आप जो ताल का जो लेवल है ये भी काफ़ी ऊपर चले गया है और तो टूरिज़म जो अगर हम लोग यहाँ पर टूरिज़म की बात करेंगे, टूरिज़म भी ठीक रहता है इस समय नैनीताल के अंदर और आप लोग आ सकते हैं। इस समय आपको होटल के रेट भी कम मिलेंगे, अच्छे से आप घूम सकते हैं, आपको पूरी फैमिली के साथ आप लोग घूम सकते हैं। ये जो है यहाँ पे ठंडी सड़क के जस्ट बगल में लगता हुआ ये है यहाँ मंदिर है, सामने मंदिर और सामने नैनी लेक। मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना मौसम है आज। धीरे धीरे बच्चे आने लगे हैं, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह के बच्चे पार्क के अंदर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं पार्क के अंदर। ये खूबसूरती है नैनीताल की, आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है बच्चों को यहाँ पे को खेलने में। तो चिल्ड्रन पार्क ये जो है नैनीताल के जो ताल के जस्ट बगल में लगता हुआ है, काफ़ी अच्छी ठंडी हवा आती है यहाँ पे को, काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ से, बच्चे काफ़ी यहाँ पे को एंजॉय भी करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय करते हैं यहाँ पे को।